Now let's see next example. In that case, again we are declaring two variables, variable x and variable y. What is the size of x and y? Both are having same data type as integer. Integers ke according variable x ke liye variable y ke liye total 2 bytes memory space allocated. This is the 2 bytes for x, reserved 2 bytes for y. Next one, x ke cases mein assigned value kya hai? Contents are 65,540. आपको ऑलरेडी बता, जब भी वेरिएबल x के अंदर डेटा स्टोर का डेटा अवेलेबल किस फॉर्म में, डेसिमल नंबर सिस्टम में, साइन किस फॉर्म में होगा, बाइनरी, इसलिए रिक्वायर्ड क्या है, इट्स बाइनरी रिप्रेजेंटेशंस. 65,540 कैन बी रिटन एज 65,536. मींस टेबल्स के फॉर्म में राइट करने के लिए यूज क्या करेंगे, नियरेस्ट टर्म्स क्या इसका 65536 प्लस 4, इट इज इक्वल टू 65,540. मीन्स 65,536 के लिए राइट करेंगे एज 1 और 4 के लिए भी राइट क्या करेंगे ऑल्सो 1. रिमेनिंग प्लेसेस पर पुट करेंगे एज अ डिफॉल्ट बिट एज 0. इट इज इक्वल टू बाइनरी नंबर ऑफ 65,540. इस आपके पास टू अप्रोच है, या तो 65,540 का बाइनरी नंबर 2 से डिवाइड करके कैलकुलेट करोगे, या फिर इस टेबल के हेल्प से भी राइट करना पॉसिबल है. नेक्स्ट में इसके इसमें टोटल बिट्स कितने हैं, 4 4 8 + 4 = 12 + 4 = 16. नेक्स्ट बिट मीन्स टोटल बिट्स कितने हैं, 17 बिट्स. एक्स के पास अवेलेबल कितने बिट्स हैं, ओनली 16 बिट्स, जबकि डेटा को स्टोर कराने के लिए रिक्वायर्ड बिट्स कितने हैं, देयर आर 17 बिट्स. ओनली इस केस में राइट मोस्ट 16 बिट्स सेव करना पॉसिबल होगा इन द फॉर्म ऑफ एक्स, लेकिन वन के रिस्पेक्ट में बात करें, वन को स्टोर करने के लिए कोई भी मेमोरी स्पेस फॉर्म नहीं हो रहा, इसलिए वन कंसिडर होगा. इस केस में रिमूव्ड बिट और डिस्कार्डेड बिट्स, इस केस में आसान क्या हो, फर्स्ट राइट मोस्ट बिट इज 0100, नेक्स्ट राइट मोस्ट बिट इज 4 times 0, नेक्स्ट वन 4 times 0, नेक्स्ट वन अगेन 4 times 0. नेक्स्ट वन के रिस्पेक्ट में आते हैं, वन क्या इस केस में सिंपली रिमूव्ड और डिस्कार्डेड बिट्स. मीन्स एक्स में आसान क्या कराया गया, 65,540, लेकिन इस केस में कहीं ना कहीं डेटा लॉस्ट हुआ. लॉस्ट होने के केस में अगर एक्चुअल वैल्यूज की बात करें, रियल में इसमें स्टोर किया है, साइन बिट 0 फाउंड हो रहा है, नंबर पॉजिटिव, इसका डेसिमल वैल्यू क्या है, इक्वलेंट टू 4. मीन्स आसान क्या कराया गया था इसमें, 65,540, लेकिन रियल में स्टोर क्या हुआ है, इक्वलेंट टू 4. अगर आप एक्स का वैल्यू डिस्प्ले कराओ तो डिस्प्ले क्या हुआ, वैल्यू है 4. सिमिलरली रिस्पेक्ट टू वाई, वाई के रिस्पेक्ट में आसान कराया गया 65,545, अगेन इट इज इक्वलेंट टू 65536 प्लस, इसमें से रिमेनिंग कितने और ऐड किए जाएंगे, इस केस में 9. 9 के रिस्पेक्ट में, अगर इस टेबल के रिस्पेक्ट में, 9 इज इक्वलेंट टू 8 + 1, देयरफॉर इट कैन बी रिटन एज 8 + 1. इस केस में बाइनरी नंबर रिप्रेजेंट करने के लिए राइट क्या करेंगे, 65536 के लिए राइट करेंगे एज 1, 8 के लिए राइट करेंगे एज 1, सिमिलरली 1 के लिए राइट करेंगे एज 1, रिमेनिंग टाइम्स पुट एट 0. ऑल टाइम्स जीरो, अगेन 65,545 का भी बाइनरी नंबर कितने बिट्स में कैलकुलेट हुआ, टोटल 17 बिट्स, और वाई के पास अवेलेबल कितने बिट्स हैं, ओनली 16 बिट्स, इसलिए ओनली राइट मोस्ट 16 बिट्स कॉपी करना पॉसिबल होगा. आसान क्या होगा, फर्स्ट वन 4 times 0 एंड 1001, रिमेनिंग टाइम्स क्या है, ऑल टाइम्स 0. इज द स्टोरेज रिप्रेजेंटेशन ऑफ 65,545 इन द फॉर्म ऑफ 16 बिट रिप्रेजेंटेशन. मीन्स इस केस में अगेन वन क्या है, कंप्लीटली लॉस्ट और रिमूव्ड और डिस्कार्टेड इन्फॉर्मेशन. वाई के रिस्पेक्ट में फिजिकली क्या आसान करा गया था, 65,545, लेकिन रियल में शो क्या हो रहा है, इस केस में इट इज इक्वलेंट टू 9. नेक्स्ट टाइम प्रिंट एप के थ्रू जब एक्स और वाई के वैल्यू डिस्प्ले कराएंगे, एक्स का वैल्यू क्या है 4 एंड वाई का वैल्यू क्या है इस केस में 9, देयरफॉर आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम इज 4 एंड 9.